हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आईसीआईसी बैंक प्रिविलेज बैंकिंग के बारे में वीडियो बनाने को लेकर के काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इस वीडियो में हम जानेंगे आईसीआईसी बैंक प्रिविलेज बैंकिंग के बारे में। आईसीआईसी बैंक प्रिविलेज बैंकिंग के अंडर कई तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट्स हैं, सेविंग्स अकाउंट्स हैं, रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, फैमिली अकाउंट है। बट इस वीडियो में हम जानेंगे आईसीआईसी बैंक प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट के बारे में। तो सेविंग्स अकाउंट में भी दो तरह के अकाउंट्स आते हैं, एक होता है टाइटेनियम प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट और दूसरा होता है गोल्ड प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट। तो इस वीडियो में हम टाइटेनियम प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानेंगे कि इस अकाउंट के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और आगे आने वाली वीडियो में कभी को हम जान लेंगे आईसीआईसी बैंक गोल्ड प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट के बारे में। तो बहरहाल चलिए जो है सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइटेनियम प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट के बारे में, किस अकाउंट में हमें क्या क्या फीचर्स और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं उनमें स्पेशल सर्विसेज होती हैं, स्पेशल आपको फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं जो किसी नॉर्मल अकाउंट में नहीं मिलते। जैसे 10,000 या फिर जो है 25,000 से जो आप अकाउंट ओपन कराते हैं उनमें आपको इस तरह के फीचर्स और बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको डेडिकेटेड प्रिविलेज बैंकर मिलता है, जैसे कि आपको HDFC बैंक के क्लासिक अकाउंट में एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, वैसे ही आपको यहाँ पे डेडिकेटेड प्रिविलेज बैंकर मिलता है जो कि आपकी मदद करता है आपके अकाउंट को मैनेज करने में, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है तो उसको भी फिक्स करने में आपकी मदद करता है। और इसी तरह से अगर आपको कोई उससे सलाह लेनी है, या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है, या फिर आपको कोई सवाल करना है, कुछ जो है जानकारी चाहिए, तो उसमें भी आपकी मदद करेगा आपका डेडिकेटेड प्रिविलेज बैंकर, आपकी मदद करेगा, आपको जानकारी देगा और इसी तरह से आपको एडवाइस भी करेगा। या फिर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, लोन के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें भी ये जो आपका डेडिकेटेड प्रिविलेज बैंकर है मदद करेगा। प्रिविलेज अकाउंट होल्डर को बैंक ब्रांच पे डेडिकेटेड सर्विस एरिया मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि जिनके पास प्रिविलेज अकाउंट है उनको बैंक ब्रांच में प्रेफरेंस मिलती है, फिर चाहे तो इंक्वायरी डेस्क हो या फिर DQM मशीन्स हो। जिनके पास प्रिविलेज अकाउंट है उनके हर काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, फिर चाहे तो बैंकिंग के कोई से भी काम हो, जैसे कि डिपॉजिट्स हो या फिर लोन्स हो या फिर क्रेडिट कार्ड्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स या फिर इंश्योरेंस, किसी भी तरह का बैंकिंग का कोई भी काम है, कोई भी ज़रूरत है, तो जिनके पास प्रिविलेज अकाउंट है उनका काम बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। और इस अकाउंट में प्रायोरिटी सर्विसेज भी मिलती हैं, जैसे कि प्रेफरेंशियल एक्सेस, जिसमें होता यह है कि वेटिंग लाइन में नहीं लगना पड़ता है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से काम हो जाते हैं। और वहीं पे अगर हमारे पास कोई एक नॉर्मल अकाउंट है तो हमें बैंक में जाकर के वेट करना पड़ता है, वेटिंग लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर कहीं हमारा काम हो पाता है। और भी इसी तरह से प्रायोरिटी सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं, जैसे कि ओवर द काउंटर की जो सर्विसेज हैं वो फास्ट होती हैं। ओवर द काउंटर जैसे कि काउंटर पे अगर आपको जो है चेक वगैरह डिपॉजिट करना है या फिर कैश डिपॉजिट करना है या फिर कैश विड्रॉल करना है, तो इसमें अगर हमारे पास एक नॉर्मल अकाउंट है तो हमें वेट करना पड़ जाता है, लाइन में खड़े होकर वेट करना पड़ता है। लेकिन प्रिविलेज अकाउंट में होता यह है कि हमारा जो काम होता है ओवर द काउंटर का वो फास्ट होता है और हमें वेटिंग में नहीं लगना पड़ता है। प्रायोरिटी सर्विसेज के अंदर प्रायोरिटी प्रोसेसिंग की भी सर्विस मिलती है, जिसमें होता ही है कि सर्विस रिक्वेस्ट या फिर एप्लीकेशंस की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें भी प्रिविलेज अकाउंट होल्डर को प्रायोरिटी मिलती है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अगर अप्लाई करता है कोई प्रिविलेज अकाउंट होल्डर, तो उसकी प्रोसेसिंग में भी उसको प्रायोरिटी मिलती है कि उसका एप्लीकेशन ज़्यादा दिनों तक प्रोसेसिंग में नहीं रहता है। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर कोई सर्विस रिक्वेस्ट सबमिट करता है कोई प्रिविलेज अकाउंट होल्डर, तो उसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा दिनों तक प्रोसेसिंग में नहीं रहती, उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम होती है ताकि प्रोसेसिंग को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए। और इस अकाउंट में प्रायोरिटी अपडेट्स भी मिलते रहते हैं कि अगर किसी तरह की रिक्वेस्ट डाली गई है तो SMS के जरिए अपडेट किया जाता रहेगा प्रिविलेज अकाउंट होल्डर को कि आपकी सर्विस रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। ये सर्विस जो है खासकर मिलती है प्रिविलेज अकाउंट में। और कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, ट्रैवल, डाइनिंग, रिटेल और अदर्स पे की ऑफर्स वगैरह ज़्यादा आते रहते हैं। जिनके पास प्रिविलेज अकाउंट होता है उनको ऑफर्स वगैरह ज़्यादा आते रहते हैं, ट्रैवल पे भी, डाइनिंग पे भी, रिटेल पे भी, यानी कि शॉपिंग वगैरह पे भी ऑफर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस अकाउंट में अनलिमिटेड फ्री ATM ट्रांजैक्शन मिलता है, इंडिया भर में किसी भी ATM से ट्रांजैक्शन करें पूरी तरह से फ्री रहने वाला, उस पर कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ICICI बैंक के किसी भी ब्रांच से बैंकिंग करने पर वेवर मिलता है, मतलब कि ICICI बैंक के किसी भी ब्रांच से अगर आप जो बैंकिंग करते हैं, ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, तो जो चार्जेस होते हैं वो माफ़ कर दिए गए हैं, वेव कर दिए गए हैं। इस अकाउंट में आपको डिमांड ड्राफ्ट्स और पेमेंट ऑर्डर्स पे कंप्लीट वेवर मिलता है, उस पर किसी भी तरह का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जितना भी आप डिमांड ड्राफ्ट या फिर पेमेंट ऑर्डर इशू करें उस पर कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। डिपॉजिट्स लॉकर्स की एनुअल फी पर 40% यानी 40% का आपको डिस्काउंट मिलता है इस अकाउंट में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एज होनी चाहिए 18 या 18 अबव, यानी कि 18 या 18 साल से ऊपर की अगर उम्र है तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। रेसिडेंट, इंडिविजुअल, सोल या फिर ज्वाइंट इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। फॉरेन नेशनल्स इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इस अकाउंट को ओपन कर सकती है।
वो माइनर्स भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं जिनकी एज 18 साल से नीचे की है। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि बैंक की वेबसाइट पर ऐसा दिया गया है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और वो सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 60 साल पूरे हो चुके हैं, वो सीनियर सिटीजन भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ऐसा बैंक की वेबसाइट पर दिया गया है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस अकाउंट में हमें कितना मेंटेनेंस करना पड़ता है, यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस इस अकाउंट में कितना हमें मेंटेन करना होगा। तो जिन्होंने अकाउंट ओपन किया या फिर अपग्रेड किया है 1 दिसंबर 2012 को या फिर 1 दिसंबर 2012 के बाद, तो उनको बैलेंस मेंटेन करना होगा 1,25,000 रुपये, या फिर FD उनको मेंटेन करनी पड़ेगी 6,25,000 की। और बैलेंस मेंटेन नहीं करने पे नन मेंटेनेंस के चार्जेस लिए जाएंगे, 100 रुपये से लेकर के 450 रुपये तक के चार्जेस लिए जाते हैं। वो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने अमाउंट पे हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा, मतलब कितना अमाउंट कम होगा तो उस पर हमें कितना चार्ज लगेगा, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। और जो सैलरी कस्टमर्स हैं उनको नन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं देना होगा, यानी कि उनसे नन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जिन्होंने 30 नवंबर 2012 को या फिर 30 नवंबर 2012 से पहले अकाउंट ओपन किया है, उनको अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना होगा 75,000 रुपीज़, यानी कि 75,000 रुपये, या फिर 3,75,000 की FD मेंटेन करनी होगी। और जो नन मेंटेनेंस के चार्जेस होंगे वो सेम होंगे, 100 रुपये से लेकर के 450 रुपये तक के चार्जेस लिए जाते हैं। तो दोस्तों यही था ICICI बैंक टाइटेनियम प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, इस अकाउंट के बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने ओपिनियन के बारे में। तो मेरे ओपिनियन में ये जो अकाउंट है ICICI बैंक का, ये काफ़ी बेहतरीन अकाउंट है। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ICICI बैंक के प्रिविलेज अकाउंट होते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये दूसरे बैंकों के प्रिविलेज अकाउंट या फिर आप कह लीजिए प्रीमियम अकाउंट से बेहतर होते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ICICI बैंक है ये अपने प्रिविलेज अकाउंट होल्डर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ICICI बैंक प्रिविलेज अकाउंट होल्डर पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो इसलिए उनको निराश नहीं करना चाहता है। जो ICICI बैंक के प्रिविलेज अकाउंट होल्डर हैं उनको सर्विसेज बहुत अच्छी देता है ICICI बैंक। एक बात और आपको ध्यान देना है कि ये जो आपको प्रिविलेज अकाउंट में सर्विसेज मिलती हैं या फिर आप कह सकते हैं प्रायोरिटीज़ मिलती हैं, ये डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच। अब ऐसा होता है कि कुछ ब्रांच में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है मतलब कि उस ब्रांच के कस्टमर ज़्यादा होते हैं, और कस्टमर ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रिविलेज अकाउंट होल्डर भी ज़्यादा होंगे। तो जब प्रिविलेज अकाउंट होल्डर ज़्यादा होंगे तो ऐसे में जो है बैंक सबको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा, सबको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि ब्रांच प्रिविलेज अकाउंट होल्डर को भी इग्नोर करे, जैसे कि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट वाले को इग्नोर किया जाता है। तो ये ब्रांच पर भी डिपेंड करता है कि ब्रांच कैसी है, वहाँ के स्टाफ कैसे हैं, एरिया कैसा है, इन सब पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ब्रांच अच्छी है तो आपको बहुत अच्छी सर्विसेज मिलने वाली हैं, अगर आपके स्टाफ अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जो है हैंडल करेंगे, और आपकी कोई भी क्वेरी होगी या फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई आपका इशू होगा, तो उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर स्टाफ अच्छे नहीं होंगे या फिर भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी ब्रांच में, तो फिर हो सकता है कि वहाँ पे आपको इग्नोर किया जाए, वहाँ पे भी आपको ऐसा फील कराया जाए कि आपके पास एक नॉर्मल अकाउंट है। तो ये जो ब्रांच पे भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।